पेशेंस कूपर बॉलीवुड के शुरुआती सुपरस्टारों में से एक भारतीय अभिनेत्री थी। वह फोएब स्टेला गैम्बल और जेम्स अल्फ्रेड कपूर की बेटी थी। कूपर का मूक और ध्वनि दोनों फिल्मों में एक सफल करियर रहा। उन्हें भारतीय सिनेमा की पहली दोहरी भूमिकाओं का श्रेय दिया जाता है। पाटनी प्रताप में जुड़वा बहनों के रूप में और कश्मीरी सुंदरी में माँ और बेटी के रूप में उन्होंने जुड़वा रोल की भूमिका निभाई। कूपर ने अपने करियर की शुरुआत बैंडमैन की म्यूजिकल कॉमेडी एक यूरेशियन मंडली में एक नर्तकी के रूप में की थी। बाद में वह जमशेदजी फ्रामजी मदानी की कोरिनिथियन स्टेज कंपनी में अभिनेत्री के रूप में शामिल हुई। कूपर ने 1920 में सबसे पहले नला दमयंती फिल्म से अपना प्रभाव डाला। फिल्म में नला के रूप में केकी अज्जानिया और दमयंती के रूप में कूपर ने अभिनय किया था। उस समय नला दमयंती अपने विशेष प्रभावों के लिए प्रसिद्ध थी। नारद का मेरु पर्वत पर स्वर्ग में चढ़ना, चार देवताओं का नल के प्रतिरूपण में परिवर्तन, काली का नागिन में परिवर्तन इत्यादि। उनकी अगली फिल्म विष्णु अवतार थी, जो 1921 में रिलीज हुई, जो ध्रुव की कथा पर आधारित थी। एक पौराणिक कथा है जिसमें शाश्वत ज्ञान और मोक्ष की खोज को पुरस्कृत किया जाता था। कूपर ने 1930 के दशक के मध्य तक फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी प्रमुख फिल्मों में से एक जहरी सांप ये फिल्म थी। आमतौर पर यह माना जाता है कि कूपर ने एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी मिर्जा अहमद इस्फहानी साहब से शादी की। 1947 में वे पाकिस्तान चले गए। दरअसल 21 साल की उम्र में उनकी शादी इस्फहानी से हुई थी और कुछ समय बाद ही उनका तलाक हो गया। इसके बाद उन्होंने गुल हमीद खान से शादी की, जो पहले मूक फिल्म अभिनेताओं में से एक थे। 6 साल बाद किसी बीमारी की वजह उनकी मृत्यु हो गई। फिर अपने जीवन के अंत तक कूपर इस्फहानी के साथ दोस्त बनकर रहे। कूपर ने अपना नाम सबरा बेगम में बदल दिया और पाकिस्तान के कराची में अपनी दो गोद लिए हुए बेटियों के साथ जिन्नत और हरिमा के साथ अपने आखिरी दिनों में रहने लगे। उन्होंने अपने जीवन काल में 17 बच्चों को पाला और गोद लिया था। 1983 में कूपर की मृत्यु हो गई। बॉलीवुड में योगदान देने वाली इस अभिनेत्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।